बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं मलाई पाया बनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही फेमस डिश है, आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने कुछ मसाले लिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। यह पत्थर का फूल 5 से 6 लिया है मैंने, इसको हम नहारी में भी यूज़ करते हैं, इस तरह का लगता है ये देखने में। 6 छोटी इलायची लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिया है, 1/2 पीस जायफल लिया है मैंने, 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून शाहजीरा, 4 एनीस 2 पीस, ज़ीरा 1 टीस्पून और ये 4 तेज़पत्ता लिया है। इन सब मसालों को पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पाउडर बना कर रख लेंगे। अब कुकर में 200 ml तेल डालेंगे। हरी मिर्च 7 से 8 लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर कर रख लिया है। देखिए, हरी मिर्च डालेंगे पहले तेल में। मिर्च को मैंने बीच से कट लगाया है ताकि तेल में ना उछले। इसमें हम प्याज भी डाल देंगे, साथ में ही तलेंगे दोनों को। फुल फ्लेम पर ही इसको तलेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे हम। ये देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी हम इस तरह से तल लेंगे, थोड़ा सा इसका स्मेल चले जाएगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून नमक डालेंगे, लाल मिर्च मैंने 3 टीस्पून डाला है, आप 2 टीस्पून ही डालिए क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने पीसा है, और 2 पीस दालचीनी को इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे मसालों को। ये देखिए, मैंने ये 12 पीस पाए लिए हैं, इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसको डाल देंगे कुकर में, 2 ग्लास पानी डालेंगे, पायों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में ताकि सब पायों में अच्छा टेस्ट आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसकी सीटी लेंगे, तकरीबन 12 सीटी लेंगे। उसके बाद में हम 10 मिनट तक इसको स्लो पर रख देंगे, या फिर आप इसके 4 सीटी लेकर 20 मिनट तक स्लो पर रख सकते हैं। ये मैंने 10 मिनट स्लो पर रखा था, 12 सीटी लिए हैं मैंने इसके। ये देखिए, पाए अच्छे से गल चुके हैं। पाए अक्सर स्लो पर रखने से जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए, अच्छे से पक चुका है हमारा मलाई पाया, तैयार है। अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे, बारीक कटी हुई कोथमीर और हरा धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका नाम मलाई पाया इसलिए है कि इसका पाया अच्छे से गल जाता है, जैसे कि मलाई होती है सॉफ्ट। इसमें मलाई अलग से नहीं डालते हैं। अब हम इसको गरम गरम ही सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको पराठा या रोटी से भी ले सकते हैं, या फिर नान से भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।